क्या बिहार आते गिरफ्तार होंगे बागेश्वर बाबा? क्या पटना एयरपोर्ट पर होगा बाबा बागेश्वर का घेराव? 12 मई को क्या बिहार आ पाएंगे बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? क्या अपनी सभा में महिलाओं को भूत बनाकर नचवाते हैं बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज 24 और मैं हूँ यति आपके साथ। बागेश्वर बाबा पर बिहार में संग्राम मचा है। बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री वही बाबा हैं जो लोगों का पर्चा बनाकर भविष्य बता देते हैं, पर बिहार में इनके आने के ही भविष्य पर संशय बना है और मचा है सियासी बवाल। मामले की शुरुआत हुई लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव से, जहां उन्होंने साफ कह दिया है कि वो बागेश्वर बाबा का विरोध करेंगे। आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री 12 मई को बिहार की राजधानी पटना आने वाले हैं। वो 12 मई से 17 मई तक पटना में कथावाचन करेंगे, लेकिन उनके इस कार्यक्रम को लेकर बिहार में संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ बिहार सरकार के मंत्री, खासकर आरजेडी के नेता बाबा का खुलकर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता बाबा के समर्थन में खड़े हो गए हैं और दोनों तरफ से बयानों की आंधी चल रही है। राजद कह रही है कि हम बाबा का विरोध करेंगे और उनका कार्यक्रम बिहार में होने नहीं देंगे। वहीं भाजपा के नेताओं ने उन्हें खुलकर चुनौती दे दी है और साफ तौर पर कहा है कि अगर दम है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाओ। वहीं हम आपको बता दें कि बेगूसराय से भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सरकार को खुली चुनौती दे दी है, जहां मंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर हिम्मत हो तो बागेश्वर बाबा को गिरफ्तार करके दिखाओ। इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी कहा था कि अगर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी भी कहा था और लोगों को ऐसे ढोंगी से बचने के लिए भी सलाह दी थी। इससे पहले लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री रहे तेज प्रताप यादव ने बाबा बागेश्वर पर हमला बोला था और उन्होंने कहा था कि वो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करेंगे और पटना एयरपोर्ट पर ही उनका घेराव कर लेंगे। तेज प्रताप यादव ने विरोध में कुछ युवाओं को भी उतारा है, जहां उन्होंने उनको ट्रेनिंग भी दी है। अभी हाल ही में नीतीश सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव ने बाबा के विरोध में मर्यादा लांग दी है और एक विवादित बयान दे दिया है। सुरेंद्र यादव ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री की सभा में घिनौना काम होता है, अगर वह बिहार में आकर माँ बहनों को भूत के नाम पर नचवाएंगे तो इससे ज्यादा शर्म की बात हो नहीं सकती है। इस तरह बाबा बागेश्वर पर बिहार की सियासत गर्म है और बयानों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। खैर, इस सबके बीच बाबा के कार्यक्रम की तैयारी हो रही है और खबर ये है कि हर दिन बाबा के दरबार में 2 लाख से ज्यादा लोग जुटने वाले हैं। पहले उनका कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में होने वाला था, लेकिन सुरक्षा और ट्रैफिक आदि परेशानी को देखते हुए इसे नौबतपुर में शिफ्ट कर दिया गया है। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लोक आवाज 24। धन्यवाद।